साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सियासी बिसाते भी बीत चुकी हैं। इसी के साथ ही प्राइम टीवी की टीम भी चुनावी मैदान में उतर गई है। शहर से लेकर गाँव तक विकास की बयार जानने के लिए हमारी टीम जनता के बीच जा रही है। इसी क्रम में हमारे संवाददाताओं ने लखनऊ के विक्रमादित्य महात्मा गांधी वार्ड के विकास की नब्ज टटोली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव आयोग ने तारीखें भी घोषित कर दी हैं। हम लखनऊ के विक्रमादित्य के वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं और यहां जानेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और तमाम जो मौजूदा पार्षद हैं और जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं उसकी जमीनी हकीकत जानेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 5 सालों के अंदर जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं। चाची, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सीमा सोमकर है जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं जी। कौन यहाँ के पार्षद हैं? अमित चौधरी। अमित चौधरी कितने सालों से पार्षद हैं? 5 साल से। 5 साल से जी। क्या विकास कार्य हुए वार्ड के अंदर? वार्ड के क्या मुद्दे हैं? सब बढ़िया ही है भैया, और क्या बताएं। नहीं, क्या जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए एक पार्षद की तरफ से, क्या भैया इससे आ जाने जानकारी हमारे लिए तो अच्छे हैं। अच्छा, काम कितना कराया है? अब क्या कराया नहीं कराया भाई, हमने तो कभी भी गए तो काम हो गया हम लोग का जी। और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, चाची बैठी हुई हैं, इनका रोजगार है, शायद बतासों का रोजगार है, और हम इनसे जानेंगे वार्ड की क्या समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं बताएं। समस्या तो बहुत है। पहले तो ये मंदिर का सबसे मेन मुद्दा, अगस्त में टूटी थी, कहा था बनवा दिए जाएंगे, अभी तक अप्रैल चल गया है, मूर्तियां खंडित हो गई थी। तो हाँ, खंडित अपने आप हो गई थी, तो वही कहा था कि मंदिर बनवा दीजिए, तो उनका ठीक है, सबने कहा मोहल्ले के सहयोग से भी बन जाए तो अच्छी बात है, मगर स्लेप पड़ गई, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया गया। कितने बार गए क्षेत्र में? आते हैं चुनाव होते ही आते हैं या पार्षद ऐसे भी क्षेत्र में मौजूद रहते हैं? आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते जी हाँ। और क्या विकास के क्या कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? फिलहाल अभी तो कुछ काम इधर का नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ जी। नहीं, कितने सालों से अमित वर्मा पार्षद है? 5 सालों से जी हाँ। आपका क्या कहना है, वार्ड के कामों से संतुष्ट है? जो ये कह रही वही हमारा भाई। आप अपनी कुछ नहीं नहीं, जो ये अरे दोनों बहन बहन है, जो इन्होंने बोला भाई हमने बोल दिया, बस बात खत्म हो गई। और क्या, और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। दादी दादी इधर देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका है? आपका क्या नाम है? नाम क्या करेंगे? कितने दिनों से वार्ड में रह रही हैं और यहाँ के पार्षद कौन है, क्या विकास कार्य हुए हैं? का कौन सा काम भैया? कोई काम नहीं भैया, कोई काम नहीं भैया, कोई काम नहीं भैया। नाली रोड फड़ंजा कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं देखो कैसे खड़ंजा पीछे सारा गड्ढा है, निकल नहीं पाते। मेरा काम है ही नहीं। अरे चूहे हैं, बैठ जाता है, कहते है, मेरा काम है ही नहीं है। अच्छा। तो किसका काम है बताइए? मंदिर साल भर से टूटी पड़ी है, किसका काम है? हम लोगों का है। आपकी क्या है, आपकी क्या लग रहा है भैया? हम लोग की देखिए, बल देंगे तब मंदिर बन जाएगी, उसके बाद कुछ चीज सोचेंगे। चुनाव है, वोट करेंगी आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? और हम लोग वोट ही नहीं देंगे किसी को जब तक मंदिर नहीं बने। वोट तो आपका अधिकार है। नहीं देंगे, अधिकार भी खो देंगे, क्या करें, जब हम लोग का काम ही नहीं होता है तो वोट नहीं देंगे हम लोग किसी को, नहीं देंगे वोट। सब क्यों से आने के बाद अपनी रवैया बदल देते हैं। अभी कितने प्रत्याशी हैं? सब प्रत्याशी क्षेत्र में आ रहे होंगे, तमाम विकास के दावे कर रहे होंगे। वो सब प्रचार करने दीजिए, हम लोग अपनी इच्छा से काम करेंगे, ठीक है? जो हम लोगों की इच्छाएं होगी वो करेंगे। हम लोग की इच्छा है कि मंदिर बन जाए, वोट ले लिया जाए। कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि वार्ड के अंदर क्या हाल है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया अमित राजपूत नाम है। और यहाँ के जो पार्षद हैं उनका क्या नाम है? जी अमित जी, अमित कुमार पार्षद, चौधरी पार्षद जी। जी क्या लग रहा है 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है? किया है विकास तो काफी किया है, बाकी ये मंदिर पेंडिंग पड़े थे, उनका कार प्रोसेसिंग पे है,
बोला है कि टाइलर सब आ चुकी है, काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। संहिता लग गई है, पैसे वो बनवा सकते हैं क्या? नहीं तो वो बनवाए क्या, सबके सहयोग से बन रहा है ना, मगर उन्होंने जनता का क्या मूड है, वही आएंगे या कोई दूसरा प्रत्याशी? भैया वही आना चाहिए, उन्होंने सारा कार्य अच्छा किया है, इसलिए हम चाहेंगे वही आए। जनता तो बोलेगी कोई काम नहीं हुआ है, अब जिनका काम नहीं हुआ तो वो बोलेंगे, मगर हम लोगों का तो काम हो रहा है, वैसे तो हम लोगों का तो कोई काम ही पेंडिंग में नहीं हुआ, सारा काम एक नंबर में हुआ। भाई ये है कि थोड़ा थोड़ा काम उनका प्रोसेसिंग पे है, वो भी जल्दी से जल्द ठीक हो जाएगा। आज हम लखनऊ के विक्रमादित्य वार्ड में पहुंचे थे और जहां पर हमने जनता से बात की, जनता पार्षद के कामों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और अगर चुनावी माहौल की बात करें तो चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में आ रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता ने भी साफ मत बना लिया है कि जो भी विकास के काम करेगा हम उसी को इस बार चुनेंगे। कैमरामैन सारिक के साथ रेहान वारसी, प्राइम टीवी, लखनऊ।